इवोल्यूट्स का ये सिक्स्थ वीडियो है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था, आइए ट्रैक्ट्रिक्स का इवोल्यूट निकालें दो अप्रोचेस से। फर्स्ट अप्रोच एनवेलप ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे निकालेंगे। सेकंड अप्रोच एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ नॉर्मल्स, तो पहले लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर की बातचीत हो जाए। ये जो ट्रैक्ट्रिक्स है ना, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस वाला कर्व ही होता है। तो इसमें जो हम अल्फा और बीटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, वो पैरामेट्रिक फार्मूला जो डिज़ाइन किया गया था तो उसकी मदद से निकालेंगे। याद है कैपिटल ओमेगा इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर अपॉन एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस एक्स डबल डॉट वाई डॉट। इसके बाद अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस ओमेगा इंटू वाई डॉट और बीटा इक्वल टू वाई प्लस ओमेगा इंटू एक्स डॉट। फार्मूला ठीक लिखा हूँ क्या? नहीं, पहले में निगेटिव होगा, यहाँ पे इसी से निकलेगा। तो अब रिक्वायरमेंट क्या है एक्स डॉट की और एक्स डबल डॉट की, वाई डॉट की और वाई डबल डॉट की? तो शुरू करते हैं। एक्स डॉट बोले तो डी एक्स बाई डी टी, ए ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस कोसेक टी कामा वाई डॉट इक्वल टू ए कॉस टी। सिंस इंटीग्रल कोसेक टी डी टी बराबर होता है लॉग टेन टी बाई टू, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। कोसेक टी का इंटीग्रल इतना होता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव कोसेक टी होगा, इसलिए सट से हमने लिख दिया। इंप्लाइज दैट एक्स डॉट इक्वल टू ए इंटू कोसेक माने वन अपॉन साइन, तो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो सीधा सीधा हम लिख दे रहे हैं ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी और वाई डॉट इक्वल टू ए कॉस टी। वाई डबल डॉट यहीं पर किनारे हम लिख दे रहे हैं, बहुत इजीली आ जाएगा ना, इसलिए वाई डबल डॉट इक्वल टू माइनस ए साइन टी एंड एक्स डबल डॉट इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, इसलिए इसको अलग से लिख कर रहा है। ए बाहर कर लिए, अब साइन स्क्वायर टी नीचे हो गया, ऊपर साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी का डेरिवेटिव माइनस टू साइन टी कॉस टी माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। ये रहा टेढ़ा मेढ़ा रहा ना, इक्वल्स टू ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, तो माइनस कॉमन ले लिए माइनस ए ब्रैकेट में टू साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कॉस टी अपॉन साइन स्क्वायर टी। अब बहुत मन कर रहा होगा कि जैसे कॉस टी भी कॉमन है, इसको भी कॉमन ले सकते थे हम, जाने दें, अभी ये सब निकालेंगे ना तो कुछ वैल्यू बढ़िया सा आ जाएगा। एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कॉस टू द पावर फोर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस वाई डॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी कॉमन है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लिए, अब बच गया कॉस स्क्वायर टी अपन साइन स्क्वायर टी प्लस वन ए स्क्वायर, यहाँ पे छूट रहा है कुछ, ये गलती पकड़ में आई, तो ये साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी मिलके कुल मिला के हो जाएगा
ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी। अब चलो ये वाला हेवी एंटिटी कैलकुलेट करें। x डॉट y डबल डॉट माइनस x डबल डॉट y डॉट इज इक्वल टू a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t इंटू y डबल डॉट माइनस a साइन t माइनस y डॉट, पहले लिख लो a cos t हल्का है, इंटू x डबल डॉट। एक्स डबल डॉट कहाँ है, बबरे बड़ा भारी है। माइनस ए कॉस टी, वही कॉस टी खींच लिए कॉमन, इनटू क्या बचा, टू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी, ये आ गया। इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और ब्रैकेट में बच गया टू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी। अब क्या करें, इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, इसे हम लिख दे रहे हैं वन माइनस साइन स्क्वायर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन, और जो माइनस साइन स्क्वायर है इसके साथ मिलके हो गया प्लस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी, ये हो गया। मान लो अब क्या करें, अब इसको त्रिक गुणा करें, इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर इसको हम एलसीएम लेके जोड़ ही दें तो क्या बुरा है, ऐसे माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी और प्लस टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस टू द पावर फोर टी। इक्वल्स टू पहला और दूसरा टर्म मिल करके हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस टू दी पावर फोर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी। इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी। ओके, यहां पे एक डेटा हम लिखना भूल गए, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर बराबर कितना आएगा, याद है निकाले थे ना, कुछ भूल गए, तो भूल गए तो फिर निकालिए, x डॉट बराबर कितना आया था,
ए कॉस स्क्वायर टी अपन साइन टी आया था, और वाई डॉट बराबर कितना था, वाई बराबर इक्वेशन में है ए साइन टी, तो वाई डॉट हो जाएगा ए कॉस टी, ए कॉस टी। फिर दोनों को स्क्वायर करके जोड़े थे हम लोग, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस टू दी पावर फोर टी अपन साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लिए तो बच गया कॉस स्क्वायर टी अपन साइन स्क्वायर टी प्लस वन, यानी कि आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी अपन साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी अपन साइन स्क्वायर टी, ये फिर से निकाल दिया। इसके बाद अब हम निकालेंगे कैपिटल ओमेगा, ये बराबर होता है एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर अपन एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस एक्स डबल डॉट वाई डॉट इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू बराबर आई है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी अपन साइन स्क्वायर टी अपन सेम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी अपन साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू वन। वाह भाई वाह, इतनी मेहनत हम लोग किए, ओमेगा इक्वल टू वन आया। ओमेगा इक्वल टू वन और एक्स डॉट वाई डॉट ये सब भी लिख लें, अभी सब काम आएगा। एक्स डॉट इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी और वाई डॉट इक्वल टू ए कॉस टी, बस सब डेटा उपलब्ध हो गया। लेट अल्फा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन अल्फा इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखा है एक्स माइनस कैपिटल ओमेगा वाई डॉट इक्वल टू एक्स माइनस वाई डॉट, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू वन आई है, इक्वल टू एक्स माइनस वाई डॉट ए कॉस टी एंड बीटा इक्वल टू एक्स की वैल्यू भी लिखिए, एक्स की वैल्यू एक्स कितना था ए ब्रैकेट में कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू माइनस ए कॉस टी है जी, तो ए कॉस टी कैंसिल हो गया, ये बराबर आ गया ए लॉग टेन टी बाई टू, ए लॉग टेन टी बाई टू एंड बीटा इक्वल टू वाई प्लस कैपिटल ओमेगा एक्स डॉट इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स डॉट इक्वल्स टू वाई, यानी कि ए साइन टी, ए साइन टी प्लस एक्स डॉट ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर टी प्लस ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी इक्वल्स टू ए अपॉन साइन टी। अब अल्फा और बीटा को हम कनेक्ट करेंगे टी एलिमिनेट करते हुए, टी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि साइन टी की वैल्यू टेन टी बाई टू के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, इम्प्लाइज दैट देखो अल्फा अपान ए लॉग हो गया तो ई टू दी पावर कर देंगे, तो ई टू दी पावर अल्फा बाई ए इक्वल टू टेन टी बाई टू कामा एंड बीटा इक्वल टू ए अपान साइन टी की वैल्यू 2 टेन टी बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू इक्वल्स टू ए इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू
अपॉन 2 tan t/2। इक्वल्स टू ए अपॉन टू इंटू ए अपॉन टू इंटू 1 plus 10 square अपॉन 10 कितना हो जाएगा 1 upon 10 1 upon 10 t/2 प्लस 10 t/2। ये रहा, अब t को एलिमिनेट करने जा रहा है, यह सब मिटा दीजिए, हो गया काम। Eliminating t, we have beta equal to a by 2 into 1 upon 10 t by 2, 1 upon e to the power alpha by a plus e to the power alpha by a equals to a bracket में e to the power alpha by a प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फा बाई ए अपॉन टू इक्वल्स टू ए कॉस हाइपरबोलिक अल्फा बाई ए। ये देखो अल्फा और बीटा कनेक्ट हो गए, फट से लोकस लिखिए, लोकस ऑफ अल्फा बीटा इज वाई इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई ए। इस कर्व का नाम है कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी है, उसको सिर्फ कैटेनरी भी लिखा जाता है, कामा रिक्वायर्ड इवोल्यूट। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही इवोल्यूट कहते हैं। एक अप्रोच से हमने इवोल्यूट निकाल दिया, अब सेकंड अप्रोच, सेकंड अप्रोच एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ नॉर्मल्स, एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ नॉर्मल्स, एक्स डॉट वाई डॉट ये सब मिटा दिए ना, इनकी जरूरत पड़ेगी, फिर से निकाल लेंगे, अब क्या करेंगे। x इक्वल टू ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, y इक्वल टू ए साइन टी इंप्लाइज दैट x डॉट इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, यही मुझे याद आ रहा है, एंड y डॉट इक्वल टू ए कॉस टी इंप्लाइज दैट x dot upon y dot equals to a cos square t upon a sin t cos t equals to cos t upon sin t, equation of normal, equation of normal एट टी इज वाई माइनस ए साइन टी इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस एक्स डॉट अपॉन वाई डॉट इंटू एक्स माइनस ए कॉस टी माइनस ए लॉग टेन टी बाई टू इक्वल्स टू माइनस cos t upon sin t into x minus a cos t minus a log 10 t/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, sin t से इधर implies that y sin t minus a sin square t minus cos t से उधर equal to minus x cos t
प्लस ए कॉस स्क्वायर टी प्लस ए कॉस टी लॉग टेन टी बाई टू। इस एक्स वाले टर्म को इधर कर लीजिए, इम्प्लाइज दैट एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर टी प्लस ए कॉस स्क्वायर टी प्लस ए कॉस टी लॉग टेन टी बाई टू इक्वल्स टू ए प्लस ए कॉस टी लॉग टेन टी बाई टू। देयरफोर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सच नॉर्मल्स इज एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉस टी इंटू लॉग टेन टी बाई टू। नंबर एक, टी बीइंग पैरामीटर, टी बीइंग पैरामीटर, ये फैमिली ऑफ नॉर्मल्स का हमने इक्वेशन निकाल लिया। अब इसका एनवेलप निकालना है। डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर टी वी ऑब्टेन माइनस एक्स साइन टी प्लस वाई कॉस टी इक्वल्स टू, इसका जीरो हो गया और इसको हम लिखेंगे ए बड़ा ब्रैकेट कॉस टी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव कितना होगा कोसेक टी, फिर माइनस साइन टी लॉग टेन टी बाई टू इक्वल्स टू ए कॉस टी अपॉन साइन टी माइनस ए साइन टी लॉग टेन टी बाई टू। इक्वेशन नंबर टू, अब आप वन और टू को देख लीजिए गौर से, बाईं तरफ तो सब ठीक ही ठाक है, दाहिनी तरफ अगर कांस्टेंट होता दोनों में तो स्क्वायर करके जोड़ देते टी एलिमिनेट हो जाता, लेकिन ये जो बवाला मौजूद है इसमें भी ये टी को एलिमिनेट नहीं होने देगा, पहली नज़र में यही महसूस हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ एनवेलप निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इक्वेशंस वन टू को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू टी के रूप में वाई की वैल्यू टी के रूप में निकाल देते हैं और कह देते हैं कि यही पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं एनवेलप के। तो आइए पहले वो काम करें। पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ एनवेलप, जो भी एनवेलप आप निकाल रहे हैं उसका पैरामेट्रिक इक्वेशंस वन और टू को सॉल्व करना है। चलो पहले हम वाई कैंसिल करने की बात करें, इसमें कॉस इसमें साइन, मल्टीप्लाइंग वन बाई कॉस टी एंड टू बाई साइन टी वी है, ये वन और टू हम कहीं लिख लें, नहीं मिटाना पड़ेगा, फिर ढूंढते रह जाएंगे। एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी इक्वल्स टू ए प्लस ए कॉस टी इंटू लॉग टेन टी बाई टू, इक्वेशन नंबर वन है। टू है माइनस एक्स साइन टी प्लस वाई कॉस टी इक्वल्स टू ए कॉस टी अपॉन साइन टी माइनस ए साइन टी लॉग टेन टी बाई टू। बस अब निश्चिंत हो। नंबर वन में कॉस टी से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा एक्स
cos square t plus y sin t cos t is equal to a cos t plus a cos square t log tan t by 2. और नंबर दो में sin t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस एक्स साइन स्क्वायर टी प्लस वाई साइन टी कॉस टी इक्वल्स टू ए कॉस टी माइनस ए साइन स्क्वायर टी लॉग टेन टी बाई टू, घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। साइन चेंज कर दिया जाए, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों मिलके हो जाएगा x इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो गया। और देखो a log कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, यानी कि आएगा a log tan t by 2। ये रहा। अब चलो y निकालें, x को कैंसिल करें, पहले में साइन से दूसरे में कॉस से गुणा करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई साइन टी एंड इक्वेशन टू बाई कॉस टी, वी हैव x साइन टी कॉस टी प्लस y साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू ए साइन टी प्लस ए साइन टी कॉस टी लॉग टेन टी बाई टू, दूसरे में कॉस से गुणा करना है, माइनस एक्स साइन टी कॉस टी प्लस वाई कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी माइनस ए साइन टी कॉस टी इंटू लॉन्ग टेन टी बाई टू, जोड़ दिया जाए, ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएंगे y इक्वल्स टू ए साइन टी प्लस ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर टी प्लस ए कॉस स्क्वायर टी, ए हो जाएगा ऊपर और नीचे साइन टी, मिटाएंगे आप लोग देख लो एक बार, हैवी कैलकुलेशन है। ओके ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस निकले हैं अभी, मिटा दिए। देयरफॉर पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ एनवेलप आर x इक्वल टू a log tan t by 2 एंड y इक्वल टू a अपॉन साइन t। पहले हमको लगा था कि t हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, तो हमने पैरामेट्रिक इक्वेशंस निकाल लिए। इन पैरामेट्रिक इक्वेशंस को देखने से अब ये लगता है कि हम t एलिमिनेट कर ले जाएंगे, तो फिर हेडिंग डालिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ एनवेलप। x इक्वल टू a log tan t by 2, y इक्वल टू a अपॉन sin t implies that e टू द पावर x by a इक्वल टू tan t by 2 एंड y इक्वल टू a अपॉन साइन t का मान होता है 2 tan t by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t by 2। इम्प्लाइज दैट tan t by 2 इक्वल टू e टू द पावर x by a, y इक्वल टू a अपॉन 2 इंटू
1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू अपॉन टेन टी बाई टू इक्वल्स टू ए बाई टू वन अपॉन टेन टी बाई टू प्लस टेन टी बाई टू एलिमिनेटिंग टी वी गेट y इक्वल टू a बाई टू वन अपॉन e टू द पावर x बाई ए प्लस e टू द पावर x बाई ए इक्वल्स टू e टू द पावर x बाई ए प्लस e टू द पावर माइनस x बाई ए अपॉन टू इक्वल्स टू a cos हाइपरबोलिक नीचे लिखना है y इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक x बाई ए इस कर्व का नाम है कैटेनरी कामा रिक्वायर्ड इवोल्यूट एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ नॉर्मल्स निकला ना इसी को इवोल्यूट कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे सीधा सीधा भी आ सकता है शो दैट इवोल्यूट ऑफ ट्रैक्ट्रिक्स इज कैटेनरी। तो ऐसी स्थिति में ट्रैक्ट्रिक्स के पैरामेट्रिक इक्वेशंस भी आपको याद होने चाहिए, कैटेनरी का इक्वेशन भी आपको जानना पहचानना चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू। अगले वीडियो में बातचीत जारी रहेगी।